माई डियर फ्रेंड्स एंड माई व्यूअर्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि प्रीस्ट के बारे में, कि प्रीस्ट कैसे बनता है, उसकी तरबियत के बारे में हमें बताया जाए। प्रीस्ट जो है, जिसको हम पाकिस्तान में, इंडिया में फादर कहते हैं, ये एक्चुअली रोमन कैथलिक्स में ये प्रीस्ट होता है जिसको हम फादर कहते हैं, और उसकी जो तरबियत है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से की जाती है। वो एक्चुअली जो है, इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक डायसिजन प्रीस्ट होते हैं और एक रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं। मैं दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से वो, उनकी तरबियत होती है और कैसे वो रहते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं और कैसे उनकी नशरमा होती है, कैसे उनको परखा जाता है और कैसे देखा जाता है। ये प्रीस्ट के बारे में ये आसान नहीं है। ये जब तक खुदा की ब्लेसिंग ना हो, खुदा का फजल उसके साथ ना हो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी जो स्टडी होती है मैट्रिक के बाद और या इंटर के बाद, उसके तकरीबन जो है 10 से 12 साल की स्टडी होती है जो उस तरबियत में वो गुजारते हैं। ये रोमन कैथलिक, जैसे मैंने कहा ना, रोमन कैथलिक में ये प्रीस्ट होता है और ये फादर उसे कहा जाता है, जो कि हम पाकिस्तान में, इंडिया में देखते हैं, यूरोप में भी, सब जगह पर, लेकिन यहाँ आमतौर पर देखते हैं। और एक फादर बनने के लिए, जब एक लड़का जब आता है फादर बनने के लिए, सबसे पहले वो सेमिनरी में जाता है, जिसको हम माइनर सेमिनरी कहते हैं, स्टार्टिंग, वहां पर 3 या 4 साल स्पेंड करता है। और वहां आने से पहले आपको मैट्रिक करना जरूरी है, और आजकल इंटर ले रहे हैं, अगर मैट्रिक भी है, पहले हम मैट्रिक में लेते थे, लेकिन आजकल इंटर बहुत जरूरी है, लेकिन मैट्रिक में भी लिया जाता है। मैट्रिक को फिर वो इंटर खुद करवाते हैं, अगर इंटर आपने किया हुआ है तो बीए वहां करवाया जाता है, अगर आगे हायर स्टडी करना चाहते हैं वो भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली आपको मैट्रिक होना जरूरी है और फिर इंटर, ये लाजमी स्टडी है। डायसिजन प्रीस्ट जो है, वो उनकी 4 साल की स्टडी जो माइनर सेमिनरी में होती है, वो अपनी अपनी डायसिस में, जो उनकी डायसिस होती है वहां पर उनकी माइनर सेमिनरी होती है, और उनको वहां पर तैयार किया जाता है, उनको बेसिक एजुकेशन दी जाती है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, बाइबल स्टडी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑल्सो इंग्लिश लैंग्वेज, और तमाम वर्ल्डली जो एजुकेशन जो ज़रूरी है, ताकि दुनिया के बारे में वो जान सके कि कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है, वो की जाती है। फिर उसके बाद जो है, एक डायसिजन प्रीस्ट फिर चला जाता है, वो लाहौर में फिलासफी की सेमिनरी है, वहाँ पर 2 साल की फिलासफी की ट्रेनिंग करता है, और फिलासफी की ट्रेनिंग के बाद 4 साल जो है कराची क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में, यहाँ पर जो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी है, वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर 4 साल की थियोलॉजी की जाती है। तो वो 4 साल की जो सेमिनरी में उसकी है स्टडी, वो करके फिर वो एक प्रीस्ट बन जाता है। और वो जो है दो वादे करता है। एक पहला तो उसका होता है ओबीडियंट टू बिशप, जो बिशप होता है उनका, जिस डायसिस में वो हैं, उस बिशप के वो ताबेदार रहेंगे, ओबीडियंट रहेंगे। और दूसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि हम ओबीडियंट हैं, और दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि हम चेस्टी, यानी कि मैं शादी नहीं करूंगा पूरी जिंदगी, और शादी वो पूरी जिंदगी नहीं करता। ये मैंने जैसे पहले कह दिया आपको, ये खुदा की तरफ से है, उसको 10 साल परखा जाता है, देखा जाता है कि क्या इसके ख्याल हैं। ड्यूरिंग द स्टडी वो सारे लोग वापस आ जाते हैं स्टूडेंट, और बहुत सारे सक्सेस होते हैं, और आइंदा जिंदगी में भी जब उसके साथ परेशानी होती है तो वो छोड़कर शादी कर सकता है, जा सकता है, लेकिन 10 साल की उसकी तरबियत है जो कि एक प्रीस्ट बनता है। इसके बाद एक जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे पाकिस्तान में फ्रांसिस्कन हैं, कैप्चन्स हैं, फिर ओएमआई हैं, जेजुइट हैं, और भी बहुत सारी कॉन्ग्रीगेशंस यहाँ पर मौजूद हैं, डोमिनिकन हैं, ठीक है। तो ये उनकी तरबियत है, उनकी भी सबसे पहले 4 साल की स्टडी जो है अपने अपने वो घरों में या जहाँ उनकी तरबियत गाह है, वो अपने जो फॉर्मेशन हाउस जो उनके हैं, जहाँ पर उनको तरबियत दी जाती है, वो 4 साल की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मैंने कहा मैट्रिक या इंटर किया हो, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं
रिलीजियस स्टडी के लिए, 2 साल की उनकी रिलीजियस स्टडी होती है अपने जहाँ पर वो उनका जहाँ भी उन्होंने डिसाइड किया होता है कि रिलीजियस स्टडी 2 साल की करनी है। फिर उसके बाद 4 साल की स्टडी जो है दोबारा से क्राइस्ट द किंग सेमिनरी, वो सब चाहे डायसिजन हो या रिलीजियस हो, सबको क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में आकर या कोई भी मेजर सेमिनरी जो है वहाँ पर उनको थियोलॉजी 4 साल की करना ज़रूरी है और वहाँ पर वो तरबियत हासिल करते हैं और फिर वो उसके बाद वो प्रीस्ट बन जाते हैं। ये माय डियर तकरीबन 10 से 12 साल का ये पीरियड होता है जो उस स्टूडेंट को वहीं पर रहकर रात दिन रहते हैं अपने फॉर्मेटर के अंडर में रहकर, उनको ख़ास निगरानी में उसे देखा जाता है, परखा जाता है स्टडी के लिहाज से, दुनियावी तौर पर, माशरती लिहाज से, मजहबी लिहाज से, हर तरह से उसकी अपनी एक्टिविटी के लिहाज से भी देखा जाता है। फिर वो एक प्रीस्ट बनता है और प्रीस्ट के बाद फिर उसको फील्ड में भेज दिया जाता है, पैरिशेस में या जहाँ ज़रूरत होती है उसके मुताबिक भेजा जाता है। तो ये है एक प्रीस्ट। माई डियर, ये प्रीस्ट बनना ये तो 10 साल का 12 साल का एक एक्सपीरियंस है। और जो रिलीजियस हैं वो 3 वादे करते हैं। सबसे पहला वादा जो उनका होता है ओबीडियंट, चेस्टिटी एंड पॉवर्टी, यानी कि उन्हें पूरी जिंदगी गरीब रहना है, अपनी मलकियत नहीं बना सकते। दूसरे नंबर पर अपने ऑर्डर के वो ताबेदार रहेंगे और शादी कभी नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो है वो हमेशा अपने आप को फर्माबरदार रखेंगे, तो हमेशा फर्माबरदारी के मुताबिक अपने ऑर्डर की फर्माबरदारी के मुताबिक करेंगे और गरीबी में वो रहेंगे। ये 3 वादे वो करते हैं। और माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़रूरी है और ये जो टाइम है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब प्रीस्ट बनता है। एक तरबियत से गुजर के बनना और ये आसान नहीं, तरबियत गाह में तरबियत हासिल करते हैं अपने फॉर्मेटर के हवाले से, जो उनके फॉर्मेटर्स होते हैं या उनके जो रहनमा होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके अंडर में रहकर आपको सारी चीज़ों को देखकर फिर आपको एक प्रीस्ट जब बनाते हैं फिर आप जाते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। ये खुदा की ब्लेसिंग इसमें होना बहुत ज़रूरी है, खुदा का फजल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक खुदा का फजल साथ नहीं है, खुदा की ब्लेसिंग साथ नहीं है, तो आप कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकते हैं। जितना भी आप कोशिश कर लें ऐसे नहीं हो सकता। तो के माय डियर फ्रेंड, तो एक प्रीस्ट की लाइफ जो है, एक प्रीस्ट कैसे बनता है, किस तरीके से अपनी लाइफ को सर अंजाम देता है, ये है उसकी लाइफ के ऐसे वो प्रीस्ट जो है अपनी तरबियत करता है और एक प्रीस्ट बनता है। ओके माय डियर फ्रेंड, इसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और अपनी लाइफ में अगर इसको पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही एक बेल आइकन है उसको प्रेस करें और मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सब मिलेंगी। अगर नया कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर उसको तैयार करूंगा। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।